ए फ्रेंड्स, मैं आपको आज मेरे दिल की बात बताता हूँ। जैसे मैं 42 साल तक इंडिया में रहा हूँ और 5 साल से मैं यूएसए में हूँ। 5वां साल अभी है। तो मैंने ऐसा सुना था इंडिया में, और मैंने जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि भी अमेरिका में तो पैसे पेड़ पे उगते हैं, ऐसा नहीं है अमेरिका में। और उस दर डिफरेंट क्या, मैं आपको बताऊं। मैं जैसे 4 साल से इधर हूँ, 4 और 5वां साल चल रहा है, मतलब 4 साल से इधर हूँ। इधर मेरे घर में जैसे 4 लोग हैं, तो चारों चार सुबह काम पे निकलते हम लोग और रात को घर पे आते हैं। जैसे जिसकी शिफ्ट वैसे वो काम करते हैं। तो इंडिया में क्या होता है कि भाई एक आदमी कमाता है और 4 और 5 आदमी खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी पर असर आएगी इसकी। जैसे यूएसए में मेरी लड़की है, वो हाई स्कूल में है, वो पढ़ती भी है और जॉब भी करती है, तो ये फर्क है। इसके लिए अमेरिका में पैसा दिखता है आपको। और मैं नवसारी से हूँ, तो मैं कई व्यापारी से सुना था भाई आज एनआरए पार्टी को इतने में काटा, इतने में काटा, तब सुनता था मैं। पर आज मुझे बुरा लगता है कि वो लोग सोचते हैं कि हमने 200 की आइटम मैंने 1200 में बेची, 1000 में बेची। भाई मैं इधर हूँ, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप लोग मेहनत नहीं करते, आप भी करते होंगे, पर कमाइए। आपको जो मुनाफा, जो ब्याज भी है, वो ही कमाइए। ऐसा नहीं कहना रहे यार तो 200 की आइटम 1000 देनी है, और लोकल है उसको 200 की आइटम 300 में देनी। आपको भगवान माफ नहीं करेगा। अगर आप सही तरीके धंधा करना चाहते हो ना, तो आप ईमानदारी से धंधा करिए। एनआरए को भी वही रेट से दो जो लोकल को देते हैं। हम लोग, मैं ऐसे, मैं मेरे पे नहीं लेता, बहुत मेहनत करते यूएसए वाले। ऐसा नहीं बोल रहा यूएसए, शायद यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट माइंड डेट, पर इधर लोग सुबह, मैं खुद जॉब करता हूँ, मैं बहुत घंटे काम करता हूँ, फिर हम लोग आते हैं तो थोड़े पैसे। आपको लगता होगा भाई एनआरआई आया तो भाई बहुत पैसे उड़ा रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने इधर सेव किया है पैसा, हमको भी भारत पे गर्व है, हमारा देश है। पर एक सोच गलत है व्यापारी की। अगर आप ईमानदारी से कमाना चाहते हैं तो कमाइए। पर ऐसे एनआरआई आया तो इतने में काटा, उतने में काटा, हम लोग तो हमारी शॉप तो क्या करें, एनआरआई के एरिया में तो वही हम लोग करेंगे ना, उसको उधर हमारा धंधा नहीं चलता। ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो प्लीज। मैं आपको दो हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। आपकी ईमानदारी का जो भी पैसा आप कमाइए, मुझे कोई वादा नहीं, मतलब मुझे तो पर्सनली वादा है इससे, पर ऐसा मत कीजिए। आप कमाइए पैसे, पर ऐसा गलत वर्ड्स मत लीजिए भाई, इतने में काटा, उतने में काटा। सबका मेहनत का पैसा होता है। सो प्लीज, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप भी करते होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं किसी पर्सनल के लिए वीडियो नहीं बनाया है, मैंने सबके लिए वीडियो बनाया है कि भाई एक सोच है कि अमेरिका में यूएसए में पैसे झाड़ पे पेड़ पे उगते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं लोग, 5 5 लोग घर में, 6 लोग, सब लोग काम पे जाते हैं, 10 10 12 12 16 घंटा तक काम करते हैं, फिर पैसे दिखते हैं कि हाँ पैसे है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी किसी को गलत लगा हो तो मैं दो हाथ से माफी मांगता हूं, पर प्लीज ऐसा मत सोचिए। और मुझे एक बात और बतानी है कि भाई मैंने ऐसे सुना था कि भाई LB बोलते हैं, उनका कोड वर्ड था। जैसे बाजार में लोग NRI शॉपिंग कर रहा है, उस ज्यादा शॉपिंग कर रहा है, तो वो बोलते हैं LB, LB मतलब लेबल बदल ले। तो उससे वो लोग जैसे 10,000 की साड़ी का 15,000 लगा देते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो उनका भी वो स्टाइल था, तो ऐसा भी लोग करते थे। पर देखो, भगवान है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि कर्म है, सबके कर्म वापस आते हैं। आप भी बिलीव करना। देखो, आप भगवान पे मानते हो, भगवान भगवान को मानते हो, तो आप ईमानदारी से काम करना। अगर आप नहीं मानते तो ध्यान रखना,
कर्म सबके लिए वापस आता है, कर्म जिसको बोलते हैं। सो बस यही मुझे बताना था कि भाई मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, यही सच्चाई है कि लोग ऐसा करते हैं।